नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज पहली बार मैं अपने द्वारा लिखी गई राष्ट्रीय आय स्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी NMS एग्जाम गाइड से वीडियो बना रहा हूं। तो मेरे द्वारा जो लिखी गई बुक है तो उसका पहला चैप्टर है श्रृंखला यानी सीरीज। तो आज हम लोग सीरीज रीडिंग ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ख़ास तौर से मेरा जो बुक है वो बिहार के स्टूडेंट के लिए है। तो बिहार के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके सुविधा के लिए हमने बिहार NMS एग्ज़ाम के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है और आप आसानी से उस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से हम लोग जो श्रृंखला चैप्टर शुरू करें, इसके बाद जो अगला चैप्टर है तो सभी चैप्टर का बारी बारी से रीजनिंग बनाएंगे, इसके बाद गणित का भी बनाएंगे और साइंस और सोशल साइंस का भी बनाएंगे। तो आपको एक श्रृंखलाबद्ध यानी क्रमबद्ध जो है सभी चैप्टर का सॉल्यूशन बताया जाएगा तो आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि श्रृंखला रीजनिंग में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसको हमें कैसे बनाना है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है इस अध्याय में आपको क्या देखने को मिलेगा, अक्षरों की एक श्रृंखला मिलेगी, ठीक है, जिसमें अंक या अक्षर हो सकता है, ठीक है, और उसको जो है अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध होते हैं। ये श्रृंखलाएं कई प्रकार से बनती है और अलग अलग नियम काम करते हैं। तो कौन कौन सा नियम इसमें काम करता है, कैसे हम बना सकते हैं सीरीज रीडिंग ट्रिक्स, तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कई तरह के नियम काम करते हैं। तो कौन कौन सा नियम है, तो पहला नियम है जोड़ का नियम, ठीक है। पहला नियम कौन सा है, जोड़ का नियम। तो इसमें क्या होता है कि संख्या जो है जोड़ के रूप में आगे बढ़ती है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन इस तरह से जोड़ सकता है, या प्लस दो, प्लस चार, प्लस छः, प्लस आठ इस तरह से हो सकता है। तो उदाहरण दे करके यहाँ समझाया गया है कि देखिए किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये रीजनिंग है और यहाँ पे पूछ रहा है अगला क्या होगा, तो इसमें हमें करना क्या है, तो यहाँ पर ये देखना होता है कि यहाँ पर चार से सात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या किया है, प्लस तीन किया है। फिर सात से बारह हो रहा है तो प्लस पाँच किया है। फिर बारह से उन्नीस हो रहा है, इसका मतलब प्लस सात किया है। 19 से 28 हो रहा है, प्लस 9 किया। तो इस तरह से करने के बाद देखिए यहाँ पे सब में जोड़ किया गया है, सब में दो दो के अंतर से जोड़ किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस 11 कर देंगे। तो इस तरह से जो है रीजनिंग पूछा जाता है। तो जोड़ के रूप में हो सकता है पहला, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया जोड़ के रूप में हो सकता है। फिर दूसरा उदाहरण देख करके भी यहाँ समझाया गया, देखिए 6 से 8 कैसे होगा, प्लस 2, 8 से 12 कैसे होगा, प्लस 4, 12 से 18, प्लस 6। तो एक पैटर्न सा बन रहा है। तो इस तरह से जोड़ के रूप में हो सकता है, ठीक है। अभी आप उदाहरण को समझिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे भी चलेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो नियम इसमें काम करता है वह घटाओ का नियम। तो घटा के भी बन सकता है, जैसे माइनस एक घटा दिया, या दो घटा दिया, या तीन चार एक क्रम में घटाएगा, जैसे दो चार छः इस तरह से भी घटा सकता है, या सब में से दो दो घटा सकता है, या सब में से तीन भी घटा सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 87 से 86 हो रहा है, क्या घटा, एक। 86 से फिर 84 हो रहा है तो दो घटा दिया। फिर 84 से 81 हो रहा है, तीन घटा दिया। 81 से 77 हो रहा है तो चार घटा दिया। तो एक क्रम में अब अगला क्या घटाना है, पाँच घटाना है। तो इस तरह से घटाव के रूप में हो सकता है रीजनिंग। आपको समझना है कि किस तरह से हो सकता है और इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका हो गया जोड़ करके हो सकता है, घटाओ के हो सकता है, तो ये बताया गया यहाँ उदाहरण दे करके। तीसरा जो है गुना का नियम भी काम करता है, इसमें गुना किया जा सकता है, एक से गुना, दो से गुना, तीन से गुना, चार से, पाँच से इस तरह से, या दो से, चार से, छः से, आठ से इस तरह से भी हो सकता है, या गुना दो, गुना, तो इस तरह से भी सेम संख्या से भी गुना किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए आपको उदाहरण देके समझाया गया है, यहाँ पे 6 से 12 हो रहा है तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, फिर 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, फिर 96 दूनी कर देंगे, तो इस तरह से जो हमारा अगला संख्या निकल जाएगा। तो गुना के रूप में हो सकता है। उसके बाद देखिए एक और उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको उदाहरण दे के बताया गया है, इसको आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। चौथा नियम काम करता है भाग का, ठीक है। तो भाग में क्या होता है कि इस तरह से एक से भाग दे सकता है, दो से, तीन से, चार से, फिर दो से, या दो दो के जगह तीन से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पाँच, यहाँ पे देखिए किस तरह से है, यहाँ दो से जो है, यहाँ पे
भागा एक कर देते हैं, फिर भागा दो, यहाँ पे देखिए भागा पाँच था, तो अगला में 10 चौके 40 भागा चार था, तो फिर अगला में 40 तिया 100 भागा तीन था। तो इस तरह से भाग के रूप में क्वेश्चन हो सकता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण देख के इसको समझाया गया है, तो आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं उसके बाद जो है अगला देखते हैं और कौन कौन सा नियम इसमें काम करता है। तो पाँचवा अभाज्य संख्या, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक के बीच कौन कौन संख्या अभाज्य है। 1 से 100 तक के बीच कुल 25 संख्या अभाज्य है और 1 से 50 तक के बीच टोटल 15 संख्या अभाज्य है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कौन कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके आधार पर प्रश्न हो सकते हैं, जैसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 11 13 इस तरह से है। तो अगला क्या होगा, 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा है, 17 है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो इसके आधार पे क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 18 से 20 हो रहा है, यहाँ +2 किया, ठीक है, 20 से 23 हो रहा है तो +3 किया, 23 से 28 हो रहा है +5 किया, 28 से 35 हो रहा है +7 किया। तो अगला क्या होगा, यहाँ पे प्लस हम 11 करें, क्योंकि 7 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या है वो 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्रम है, क्योंकि 2 के बाद 3 ले लिया है, तो यहाँ पे तो 1 का अंतर है, यहाँ 2-2 का अंतर है, तो उस अंतर पे ये नहीं बनता, तो ये अभाज्य संख्या पे ले लिया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जो अभाज्य संख्या पे आधारित होगा। छठा नियम काम करता है जोड़ और गुना। कोई कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें गुना भी किया रहेगा और जोड़ भी किया रहेगा, तो इस तरह से भी हो सकता है, जैसे गुना जोड़ 2 गुना 2 फिर जोड़ 2 गुना 2 ऐसे कर सकता है, या जोड़ 1 गुना 1 ऐसे भी कर सकता है, गुना 2+1 कर सकता है, गुना 2+2 भी कर सकता है। तो इस तरह का आपको सवाल आएगा, तो जो गुना और जोड़ से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ उदाहरण देख के इसको समझाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे घटाव और गुना से संबंधित भी हो सकता है, जैसे -2 गुना 2 इस तरह से भी हो सकता है। आगे हम सवाल बनाएंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा नियम इसमें काम करता है सीरीज में, तो गुना और घटाव का नियम भी यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ उदाहरण देके बताया गया है, ठीक है। तो ये आप हमारा बुक खरीद सकते हैं और आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। आठवां नियम इसमें काम करता है पूर्ण वर्ग का, ठीक है, वर्ग संख्या को भी जोड़ देता है, जैसे यहाँ 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। तो इसके आधार पे घटा भी सकता है, 1 का वर्ग घटा दिया, 2 का वर्ग घटा दिया, 3 का 4 का। तो वर्ग के आधार पर सवाल हो सकता है सीरीज का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 7 हो रहा है, यानी +4 किया है, जो किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 7 से 16 हो रहा है, यानी +9, जो किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो इस तरह के भी सवाल हो सकते हैं जो वर्ग पर आधारित हो। और इसके बाद अब पूर्ण घन, ठीक है, घन पे आधारित भी हो सकता है, जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन को जोड़ या घटाव कर सकता है। तो इस आधार पे भी प्रश्न हो सकते हैं, या हो सकता है कि सभी को मिक्स करके बना दे, एक बार जो है वर्ग दे दे, एक बार घन दे दे, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से कुल सीरीज में जो है 10 तरह के नियम काम करते हैं। तो अब इसके आधार पर हम प्रश्न लेते हैं और सीखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम यहाँ पे आपको उदाहरण बहुत सारा बता चुके हैं, तो अब हम चलते हैं सीधा अभ्यास पे। तो अभ्यास, पहला अभ्यास, अभ्यास 1 से शुरू करते हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो आपको पता है कि राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी NMS एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सभी ऑब्जेक्टिव ही होता है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है आपको बिहार 2022 के NMS एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया पहले ये भी दिया गया है, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आप इसका अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर तैयारी कर सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, तो 15 नंबर तो आपका अभ्यास 1 से ही आ जाएगा, बस 1 अभ्यास पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगला संख्या क्या आएगा। साथ ही साथ आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आता है पहले से। तो यहाँ पे देखिए 4 से 12 हो रहा है, यानी -3 किया, 12 से 36 यानी 12 तिया 36, 36 तिया 108। तो अब हमें क्या करना है, 108 तिया कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 108 तिया अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 324। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से काफ़ी इजी तरीका से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए 48 है 24 है 96 48 192, अगला हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 48 दूनी 96 96 दूनी 192, अगर यहाँ पे अगला पूछता तो गुना कर देते निकल जाता। तो दूसरा देख लेते, इधर फिर से 24 दूनी 48, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 3 8 27 112, अगला क्या होगा पूछ रहा है। तो यहाँ 2 से 3 कैसे होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गुना 1 + 1 कर सकते हैं। तो 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 होगा + 1 करेंगे 3 हो जाएगा। 3 से 8 कैसे होगा, गुना 2 + 2 कर देते हैं, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। 8 से 27 कैसे होगा, गुना 3 + 3 कर देते हैं। 27 से 112 कैसे होगा, गुना 4 + 4 कर देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो अगला हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, 112 को 5 से गुना करके और इसमें 5 जोड़ना होगा। तो अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये हो जाता है 560 और + 5 करते हैं तो 565, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे जो है क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, आपको जितने भी नियम से पूछे जाते हैं सभी आप सीख जाएंगे, और किसी भी नियम से आएगा तो आप आसानी से इसको चंद सेकेंड में बना सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर 0 से 3 हो रहा है, फिर 3 से 6 हो रहा है, और उसके बाद अगला यहाँ पे दिया नहीं है, 2-2 को बीच में गैप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर 2 गैप लेते हैं तो 4 3 7 हो रहा है, तो 7 3 यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, इसका आंसर 10 आएगा, फिर आगे दिया ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 2 का अंतर लेते हैं 6 3 9 9 3 12, सब में 3 3 का अंतर आ रहा है ना। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 से 9 हो रहा है, तो इसका मतलब +5 किया है, फिर यहाँ पे आगे 5 किया है तो हम 10 दे करके ट्राई कर सकते हैं। तो 9 और 10 10 9 19 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ये हमें निकालना है, तो एक अनुमान लगाते हैं, यहाँ 9 से 20 हो रहा है तो +11 किया है, तो यहाँ पे डबल किए थे तो इधर भी डबल कर देते हैं, तो 11 दूनी 22 कर देते हैं, तो 20 और 22 हो जाता है 42। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी अगर रखेंगे यहाँ पे तो एक पैटर्न सा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 19 रख देते हैं, नीचे में 42 रख देते हैं, तो यहाँ पे हो गया +11, फिर बी जो है यहाँ पे 20 से 42 यानी +22, और फिर 42 से 86 तो ये हो जाएगा +44। तो 11 दूनी 22 दूनी 44 एक पैटर्न सा बन जाएगा, ऊपर में भी एक पैटर्न सा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर देखिए किया क्या है, तो 120 यानी 99 कर दिया, फिर 80 कर दिया, तो यहाँ पे निश्चित रूप से घटाया गया होगा, है ना। तो हम ट्राई करके देखते हैं कितना घटाया गया है। तो 120 से 99 इसका मतलब कितना का डिफरेंस आ रहा है, 21 का। 99 से 80 यहाँ पर कितना का डिफरेंस आ रहा है, 19 का, ठीक है। फिर 80 से 63 यहाँ पे कितना घटा देते हैं, 17 का डिफरेंस आ रहा है। 63 से 48 13 से 8 5 13 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो 21 19 17 15, अब किसकी बारी है, 13 घटाने की, तो 48 में से 13 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 35। कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये बिहार के NMS एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था। देखिए इसको कितना आसानी से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यहाँ पे 22 से 24 हो रहा है, +2 किया, 24 से 28 हो रहा है, +4 किया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं, 52 से 84 यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 2, यहाँ पे 32 का डिफरेंस है ना, तो 2 4 तो अब 8 होना चाहिए, ठीक है, 8 जोड़ना चाहिए हमें, तो 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 36 यहाँ पर रख देंगे तो एक पैटर्न सा बन जाएगा, है ना, आसानी से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 34 से 18 है 10 है, यहाँ पे क्या किया है, अगला हमें निकालना है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे 34 से 18 कैसे होगा, ठीक है,
तो ध्यान देना है इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 से अगर हम 36 होता है, 18 यहाँ पे 36 होता है लेकिन यहाँ पे है 34 और इधर है यहाँ पे 10। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 2 से भाग दे दे और प्लस 1 कर दे, ठीक है। 2 से अगर भाग दे दे और प्लस 1 कर दे तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 18 में अगर 34 में हम 2 से भाग देते हैं तो 17 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 से 18 है तो फिर इसमें भी वही काम करते हैं, 10 जो है 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 2 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 प्लस 1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अब हमें 10 में 2 से भाग देना है तो 5 होगा, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं इसको, बहुत विद्यार्थी को समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर देखिए 34 से 18 होगा, कैसे हो रहा है, तो 34 आप जानते हैं, 34 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 17 आएगा, लेकिन यहाँ पे 18 दिया मतलब एक और जोड़ दिया है। यहाँ फिर 18 से 10 हो रहा है तो फिर यहाँ पे हम 2 से भाग दे देते हैं 18 में तो 9 होता है, एक बढ़ा के लिख दिया है, तो यही काम करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए 14 19 29 49 89। तो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे देखिए 14 से 19 कैसे होगा, प्लस 5, 19 से 29 प्लस 10, 29 से 49 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यानी डबल कर रहा है हर बार। तो अब कितना आगे 40 होगा, फिर 40 दुनी 80 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ डबल करते जा रहा है तो ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 तो बहुत ही सिंपल आपको दिख रहा है, 0 0 0 ये तो एक क्रम में चल रहा है। यहाँ 2 से 4 और 4 से 16 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कैसे हो रहा है 2 से 4, यहाँ 2 का वर्ग है, 4 से 16 कैसे हो रहा है, 4 का वर्ग है। तो अब हमें कितना का वर्ग लेना है, यहाँ पे 2 का वर्ग, यहाँ 4 का वर्ग, तो अब हमें कितना का वर्ग लेना है, 16 का वर्ग लेना है, ठीक है। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, अगला क्या हो जाएगा, 16 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरह से है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, तो यहाँ पे 2 का वर्ग जोड़ दिया तो यहाँ 4 हो गया, तो अब 4 का वर्ग जोड़ दिया तो 16 हो गया। तो अब हमें कितना का वर्ग जोड़ना है, 16 का वर्ग जोड़ना है। 16 का वर्ग कितना दो होता है, 256, तो 256 अगर हम ऐड करते हैं 16 में तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 256, नहीं 16 का वर्ग कर देंगे सिर्फ, जोड़ेंगे नहीं, 256 यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए इस तरह से दिया गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको जो है यहाँ 2 से 6 हो रहा है, प्लस 4 किया है, 6 से 12 प्लस 6 किया है, 12 से 20 प्लस 8 किया है, तो कोई भी बता देगा 6 8 4 6 8 जोड़ रहा है, तो अगला हमें 10 जोड़ना है, तो 20 10 30 हो जाएगा, ये तो आप भी बता सकते हैं आसानी से। तो काफ़ी ईजी होता है इस टाइप का रीजनिंग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए 2 3 5 उसके बाद 9 17 33 इस तरह से है, तो यहाँ पर किया क्या है, 2 से 3 तो गुना 2 और माइनस 1 कर दिया, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3 हो गया। यहाँ पे फिर इसी तरह से गुना 2 माइनस 1 3 दूनी 6 6 में से घटा देंगे 5 5 दूनी 10 10 में से घटा देंगे 9 दूनी 18 में से घटा देंगे, तो इसी तरह से 33 दूनी 66 66 में से घटा देंगे 65 हो जाएगा। काफ़ी आसान तरीका से आप बना सकते हैं। 13 नंबर का देखिए, 13 में क्या किया है कि यहाँ पर देखिए 6 से 9 हो रहा है, ठीक है, 6 से क्या हो रहा है 9 और उसके बाद 9 से 15, तो यहाँ पे प्लस 3 फिर 9 से 15 तो 9 6 15, ठीक है, फिर 15 से 27 तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, 15 5 20 7 5 12 का, ठीक है, 3 6 12 इस तरह से आ रहा है। तो अब हमें अगला कितना होगा ये निकालना है, तो ध्यान दीजिए कितना किया है, 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे 6 दूनी 12 अब 12 में से जो है 3 घटा दिया तो 9 हो गया,
फिर यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटा दिया तो 15 हो गया। फिर यहाँ 15 दूनी 30, और 30 में से 3 घटा दिया तो 27 हो गया। देखिए किस तरह से 2 से गुना कर रहा है और 3 को घटा रहा है, तो यहाँ पे हम 27 को 2 से गुना कर देते हैं 54 हो जाएगा। 54 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 121 से 112 हो रहा है, तो घटाइए 12, 8, 20, 1, 21, तो 9 घटाया गया है। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे 8 घटाया गया है, नहीं 6 घटाया गया, 97 में से 1, तो यहाँ 6 घटाया गया 91। फिर उसके बाद 11, 6, 5, यहाँ 5 घटाया गया, 9, 6, 5, तो बीच में कितना घटा दे, 8 घटा देते हैं, ठीक है। तो 8 घटा देंगे 112 में से, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 104 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। 15 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 8 से 4, इसका मतलब 2 से भाग दे दिया है, ठीक है, 4 से 12 यानी 3 से गुना कर दिया, फिर यहाँ पे 2 से भाग दे दिया, फिर 36, 18, 3 से गुना कर दिया, तो हमें फिर से 2 से भाग देना होगा, कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में देखिए 4 से 7, फिर 7, तो 4, 3, 7, 7, 5, 12, देखिए किस तरह से है। फिर तो अगला क्या होगा, 12, 7, 12, 7 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएगा ना, तो 19 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको बनाना है ना, इसका आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना बेहतर होगा आपके लिए। चलते हैं अगला सवाल पे। यहाँ पे है अगला सवाल, कितना तक बना लिए थे, हाँ 16 तक बना लिए थे, तो 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो ये 2017 में पूछा गया है, ठीक है, ये जो बना रहे अभी 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से है, 1 के बाद 2 है, यानी 1 का वर्ग को जोड़ दिया, उसके बाद 2 से 9, तो उसमें कितना है, 2 से 9, ये इस तरह से नहीं, वर्ग के आधारित नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, 2 दूनी 4, और नहीं 2, 4, 6, यानी +2 +2 करके जा रहा है। अगला हम देखते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 25 है, अगला क्या होगा, तो 25 कैसे होगा कि, 25 कैसे होगा, यहाँ पे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, उसके बाद 5 का वर्ग, तो उसके बाद हमें कितना का वर्ग लेना पड़ेगा। देखिए 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग, फिर 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग, तो अगला क्या होना चाहिए, 7 का वर्ग होना चाहिए, तो 7 से 7 कितना हो जाएगा, 49। तो इस तरीका से इसको बनाया गया है ना, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बी ई आई एन है, तो बी दूसरे नंबर पे होता है, ई पाँचवें नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है अल्फ़ाबेट का क्रम में, ये 14 पे होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 3 का अंतर है, 5, 4, 9, 9, 5, 14, या तो अब अगला क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, है ना, तो 14, 6, 20, 20 को क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी होता है इसको बनाना, सेकेंड लगते हैं आप इसको बना सकते हैं। 19 नंबर में देखिए, 19 में क्या किया है, डिफरेंस पहले निकाल लीजिए 12 से 35, तो 35 में से अगर 12 घटा देते हैं तो 3, और यहाँ पे बच जाता 2, 23 बच जाता है ना, यानी +23 किया है, 35 से 81, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 11, 6, 46 है ना, +46, और उसके बाद इसमें से अगर घटाते हैं तो 2, और यहाँ 17, 9, 8, 17, 92। देखिए पहले 23 जोड़ा, फिर 46, फिर 92, तो 92 दूनी जितना होता है उसको जोड़ दीजिए, तो 184 होता है, तो 184 जोड़ दीजिए, तो 184 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 357 है ना, 173 में 184 जोड़ेंगे 357, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर में क्या है, 8, 27, 64, ये तो आप समझ गए होंगे, 2 का घन लिया है, फिर 27 क्या है, 3 का घन है, 64 4 का घन है, अगला 5 का घन ले लीजिए आप, 5 का घन आपको पता होगा कितना होता है, 125। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में देखिए क्या है, 3 से 15, तो +12, 15 से 35, 15 से 35 कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पे 15 में 35, 5 में 5 गया 0, यहाँ 3 में से प्लस 20 हो गया। उसके बाद 63 में से 35, यहाँ पे प्लस 28, तो 12 जोड़ा, फिर 20, फिर 28। उसके बाद हम कितना जोड़ेंगे, 8 8 का डिफरेंस है ना, तो 28 8 कितना हो जाएगा, 36 जोड़ दीजिए, तो 63 में 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। 22 में देखिए क्या किया है, 17 से 14 कर दिया यानी 3 घटा दिया, 14 से 15 कर दिया 1 जोड़ दिया, 15 से 12 कर दिया 3 घटा दिया, 12 से 13 कर दिया 1 जोड़ दिया, फिर 13 से 10 कर दिया 3 घटा दिया, फिर 1 जोड़ेंगे ना, तो 10 से 1 कितना हो जाएगा, 11, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए। 23 में क्या किया है देखिए, यहाँ पे 5 3 15 प्लस 1 कर दिया 16 हो गया, 16 3 48 प्लस 1 कर दिया 49 हो गया, तो उसी तरह से 49 3 कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 49 3 147 प्लस 1 148 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, यहाँ पे किया क्या है, 12 22 42 72, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे 12 से 22 प्लस 10, 22 से 42 प्लस 20, 42 से 72 0 30 प्लस 30, अब कितना होगा, प्लस 40 करेंगे ना, 72 40 कितना हो जाएगा बताइए, 72 40 कितना हो जाएगा, 112, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं, तो यहाँ 3 से 6 6 से 12 हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल है, 3 से 6 यानी प्लस 3, 6 से 12 यानी गुना 2, फिर 12 से 15 यानी प्लस 3, 15 से 30 यानी गुना 2, तो एक बार 3 से गुना कर रहा है, एक बार 2 को जोड़ रहा है, तो इसी तरह से अगर हम करते जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कौन सा आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, गुना 2 33 दूनी 66 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। 1 से 3 हो रहा है तो गुना 3, फिर 3 चौके 12, 12 5 60, तो अब कितना हो जाएगा, देखिए 3 से गुना 4 से गुना 5 से, अब 6 से गुना करना होगा, तो 60 6 6 6 36 360, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये सवाल जो है आपको पूछा गया था बिहार NMS एग्जाम 2016 में, तो यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए 8 14 26 44 आगे क्या होगा हमसे पूछ रहा है ना, तो 8 से 14 कैसे होगा प्लस 6, 14 से 26 कैसे होगा, 14 से 26 कैसे होगा, तो प्लस 12 है ना, 26 से 44 यानी यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लस 18 है ना, 14 8 6 14, हाँ प्लस 18, देखिए 6 जोड़ रहा है, 12 जोड़ रहा है, फिर 18, तो अब हमें कितना जोड़ना है, 24 जोड़ना होगा, है ना, तो 44 में अगर 24 को हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 68, है ना, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, 28 में क्या किया इसने, यहाँ पे 5 से 4 कर दिया यानी कि, और यहाँ पे आगे देखिए तो -1 हो गया, 10 से 9 हो गया, यहाँ -1 हो गया, 15 से 14 -1, तो 19 से अब 20 से 1 घटाएंगे कितना होगा, 19 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 29 में देखिए यहाँ पे क्या किया है कि 0 से 5 यानी 5 जोड़ दिया, 5 से 12 यानी 7 5 12, 12 से 21 12 8 20 21, 9 जोड़ दिया, 21 से 32 9 2 11 जोड़ दिया, तो अब आप 13 जोड़ दीजिए, तो 32 में 13 जोड़िए कितना हो जाएगा, 32 में 13 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, यहाँ पे जो है 8 3 11 14 इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे तो सिंपल है, 8 3 11 हो गया, 11 3 14 हो गया, 14 11 25 हो गया, 25 और 14 को जोड़ दीजिए जितना होगा वही आंसर होगा, 5 4 9 2 1 3 कितना हो गया, 39, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे जो क्वेश्चन बच गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है।